विषय पर अध्ययन किया था, आशीष और श्रापों को लेके, और हमने ये देखा था कि आशीष पाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं परमेश्वर की ओर से, और आप अगर श्राप में रहना चाहते हैं तो भी एक रास्ता है। इब्राहिम को परमेश्वर ने, इब्राहिम से वायदा किया था कि जो इब्राहिम की संतान को आशीष देगा वो आशीषित होंगे, और आज के युग में हम भी इब्राहिम की संतान हैं यहूदियों के साथ, और हमें अगर कोई आशीष देता है तो उन्हें आशीष जरूर मिलेगी। इसका मतलब यदि हम आपस में एक दूसरे को आशीष देते हैं तो भी हमें आशीष मिलेगी। सुन के बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है कि अगर हम दूसरों को जो विश्वास में हैं या फिर यहूदियों को जो परमेश्वर अब्राहम की संतान है आशीष देते रहेंगे तो हमें उसके बदले आशीष मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो परमेश्वर ने कहा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आमतौर पर हम ये कहते हैं कि हम अगर इब्राहिम की संतान को कोई श्राप देगा तो उसके बदले में श्राप मिलेगा। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है, और वो अच्छा है कि हिंदी में ऐसा नहीं है क्योंकि इब्रानी भाषा में ऐसा नहीं है। आमतौर पर हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं इफ़ समबडी कर्सेस ए बिलीवर ही विल बी कर्स्ड, लेकिन हिंदी में लिखा है कि यदि कोई विश्वासी को यानी अब्राहम की संतान को खोसेगा तो वो श्रापित होगा। और खोसना और श्राप देने में फर्क है, और हमने देखा था कि ये जो खोसना है इसका अर्थ है कि हम यदि किसी विश्वासी का निरादर करेगा या उसे तुच्छ जानेगा या हम उसका ताना मारेंगे या फिर उसका मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा, श्राप आएगा। तो ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, यानी विश्वासों के लिए परमेश्वर ने बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन रखा है, लेकिन उसी प्रोटेक्शन में आप देखते हैं कि खतरा भी है। आमतौर पर यह शिक्षा दी जाती थी और मैंने भी हमने ऐसे ही समझा था, फिर एक दिन जब मैंने इब्रानी भाषा में एक परमेश्वर के जन के कहने पर स्टडी किया तो मुझे पता चला कि आपको किसी विश्वासी को श्राप देने की ज़रूरत नहीं है बदले में श्राप पाने के लिए, उसका निरादर करना काफ़ी है, उसका मजाक उड़ाना काफ़ी है, उसका अनादर करना काफ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे द्वारा किसी भी अब्राहम की जो संतान है निरादर ना हो। मुश्किल है, मुश्किल है, उसमें हमारी सेफ्टी है, हमारी सुरक्षा है, और उसमें दूसरे विश्वासियों का भी सुरक्षा है। पिछले हफ्ते आपने प्रैक्टिस किया होगा, पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपने खूब प्रैक्टिस किया होगा और पता चला कि बहुत मुश्किल है, और निरादर करने के लिए आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बोलना काफ़ी है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, सोचना काफ़ी है। और जो कि बहुत मुश्किल है जब आपके सामने ऐसे विश्वासी है जो जिनके चाल चलन आपके सामने दिख रहा है कि अच्छा नहीं है, जब आपके पास ऐसे विश्वासी हैं जो आपको धोखा दे चुके हैं, उनके बारे में अच्छा सोचना मुश्किल है, कठिन है। जो विश्वासी ईमानदार नहीं है, जो जिसके लिए हम अगर साधारण शब्दों का प्रयोग करें जो धोखेबाज है, उसके लिए अच्छा सोचना मुश्किल है, और उससे अच्छी तरह बात करना भी मुश्किल है, और वो जब सामने आता है या उससे जब बात होती है ताना मारना तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमसे क्या कहता है, अगर हम निरादर करेंगे तो हम पर श्राप आएगा। यानी परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए जीवन का जो स्टैंडर्ड है बहुत हाई रखा है। सोचिए इस बारे में, इसलिए शायद प्रभु ने कहा ना, जब लोग कहते थे कि मैं तेरे पीछे चलना चाहूंगा, तो परमेश्वर ने कहा था ना कि इसके लिए बहुत कीमत चुकानी होगी,
हम तो लोगों को ये कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलो. यीशु मसीह की से जब बात हुई, यीशु मसीह ने कहा कि पहले सोच लो मेरे पीछे चलना है कि नहीं, क्योंकि ऐसा चलना होगा. उसके बाद आपके मन में ये पिछले संडे इसके बारे में चर्चा सुनने के बाद आप लोगों के मनों में सवाल जरूर आए होंगे. मुझसे एक जन ने सवाल पूछा था, बाकी होंगे शायद अभी सोचा नहीं होगा, तो अभी आपके मन में सवाल आएंगे. फिर मैंने पवित्र आत्मा से भी पूछा कि क्या क्या सवाल लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि लोग अक्सर हिम्मत नहीं करते पूछने में. तो मैंने तो एक सवाल ये पूछा गया था मुझसे कि इसका क्या मतलब है. इसका मतलब ये हुआ कि हम बुद्धिमानी से ना चले. कहने का मतलब हमें मालूम है कि एक विश्वासी ठीक नहीं है अपने चाल चलन में, चोरी करता है या धोखा देता है या ईमानदार नहीं है या फिर झूठ बोलता है, तो उसके साथ हमें बुद्धिमानी से नहीं चलना चाहिए. चलना चाहिए. सभी कहते हैं कि हाँ जी, अगर हमें मालूम है एक विश्वासी है, बहुत सालों से चर्च में है लेकिन कभी सच नहीं बोलता. खैर हमारे चर्च में ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसे ऐसे विश्वासी है जो कभी सच नहीं बोलता, जो धोखा देने में नंबर वन है उस ग्रुप में. ऐसे विश्वासी भी पाए जाते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, जो अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन सच बोलने से कतराते हैं, झूठ बोलने में कोई परेशानी नहीं है. तो ऐसे लोगों के साथ हमें बुद्धिमानी से नहीं चलना चाहिए. पवित्र शास्त्र में दो बुक्स है, दो किताबें ऐसी है जो हमें बुद्धिमान बनाने के लिए ही है. पुराने नियम में एक नीति वचन और नया नियम में याकूब की पत्री, ये दोनों एक विश्वासी को बुद्धिमान बनाने के लिए ही लिखी गई है. तो उसमें बुद्धि की बातें हैं. कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमानी से चले. परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि बेवकूफ बन के चलो या मूर्ख के समान चलो, बुद्धिमानी से ही चलो. अगर आपको पता है कि सामने वाला धोखा देता है, उस धोखे से बच के आप रह सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति का अगर विश्वासी है तो निरादर नहीं कर सकते. आप उसको ताना नहीं मार सकते या उसके उसके मजाक नहीं उड़ा सकते. आप उसके लिए गलत नहीं सोच सकते. अगर आपको मालूम है कि एक विश्वासी ईमानदार नहीं है, तो आप उस बुद्धिमानी से चलिए, बच के रहिए. लेकिन फिर भी अगर आपने चोट खाई तो क्या करेंगे आप? आप उसका निरादर नहीं करेंगे. इस बारे में जब मैं सोच रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक वर्ष दिखाया जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, लेकिन इसमें और भी कुछ चीजें हैं. चलते हैं इफिसियों की पत्री में, एक बार नजर मारते हैं इफिसियों की पत्री का 14 अध्याय में. और आप एक बात पर यहां पर ध्यान करेंगे, पिछले बार भी मैंने बताया था कि हमें परमेश्वर ने इसी बात के लिए बुलाया है. हमने पत्रस की पत्री में से देखा था, इसी बात के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम दूसरों का निरादर ना करें, हम गाली के बदले गाली ना दें और बुराई के बदले हम बुराई ना करें. मुश्किल लगता है, लगता तो मुश्किल है लेकिन ऐसा है नहीं. अगर आपको परमेश्वर कुछ करने के लिए कह रहा है तो उस काम को करने के लिए वो आपको अनुग्रह भी देता है, खास करके इस युग में जब अनुग्रह हमें बहुतायत से मिल रहा है. इफिसियों के पत्री दूस का 14 अध्याय में चलते हैं और पहला पद को हम पढ़ते हैं. पहला पद में लिखा है 14 अध्याय का, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो. तो आपको और मुझसे कहा जा रहा है, बल्कि परमेश्वर क्या कर रहा है, आपको आज्ञा नहीं दे रहा है, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा है परमेश्वर. क्योंकि आप अगर इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर श्राप आ सकता है. आ सकता है नहीं, आएगा.
क्योंकि वो परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है। मैंने आपको पिछले संडे बताया है ना कि ऐसा नहीं कि जब आप किसी विश्वासी का निरादर करता तो परमेश्वर एकदम बटन दबाता है, आपके ऊपर श्राप आए, ये परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है, अपने आप आता है। इसलिए परमेश्वर हाथ जोड़ के आपसे विनती करता है कि हे विश्वासी भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर ऐसा नहीं करे कि हे मेरे प्यारे बच्चों, अपने बुलाहट के योग्य चाल चलो। कैसे? दूसरा पद में लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सहलो। ये नहीं होता तो कितना अच्छा था, बाकी सारी बातें ठीक थी, नम्रता समझ आती है, दीनता समझ आती है, चलो परमेश्वर हम सर झुका के चलेंगे, लेकिन सहना, ये परमेश्वर थोड़ा सा अन्याय किया हमारे साथ। और विश्वासियों का सबसे हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन किससे रहता है? दूसरे विश्वासियों से, कि वो ठीक चलेगा। अविश्वासियों के साथ हमें ज्यादा समस्या नहीं है, समस्या हमारे अविश्वासी लोग हमारे साथ बदतमीजी करें या हमें धोखा दें तो थोड़ी देर के बाद हम माफ करके निकल जाते हैं। अगर विश्वासी हमारे साथ गलत व्यवहार करें तो नींद नहीं आती कई दिनों तक, हम रोज सोचते हैं उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, विश्वासी है, मुझसे पुराना है, मुझसे पहले प्रभु में आया था, फिर बहुत कुछ हम सोचते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अपने योग, अपने उस बुलाहट के योग की चाल चलो, नम्रता के साथ, दीनता के साथ एक दूसरे के सहलो। सहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक दूसरे को गलती करने के लिए थोड़ी सी जगह दे दिया करो, थोड़ा सा अलाउंस, कंसेशन दे दो एक दूसरे को। अगर आप समझते हैं कि आप प्रभु में बहुत मजबूत हो, अगर आप समझते हैं कि आप प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हो, तो दूसरों को थोड़ी सी गलती करने तो दो। आप उनका निरादर नहीं कर सकते, आप उनके लिए दूसरों को जाके गलत नहीं बोल सकते। बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड, इतना हमने सोचा नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि अभी अनुग्रह है, कोई दोहराई नहीं है, कोई संदेह नहीं है, अनुग्रह पूरी तरह से है हमारे लिए। लेकिन जब अनुग्रह में आ जाते हैं ना, तो स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये परमेश्वर की संतान होने के कारण हमें करना चाहिए। एक और वचन दिखाता हूं ताकि आपको पूरी तरह से यकीन हो जाए कि बाइबल ऐसा ही कहता है। बाइबल में एक जगह पे लिखा है ना कि दो या तीन गवाह होंगे, सामने सारे बातें जो है स्थिर की जाएगी। तो अभी तो मैंने एक ही वर्ष दिया है, तो एक और दूंगा तो दो हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं, और इसके बाद आपको वो सिद्धांत, वो असूल मालूम है। प्रेरितों के कामों का 17वां अध्याय का 11वां पद आप वचन में, बाइबल में घर जाके देखेंगे कि ऐसा ही लिखा है या नहीं, जो मैं बता रहा हूँ यूं ही लिखा है कि नहीं, आपको देखेंगे। हम चलते हैं कुरिन्थियों की पत्रिका 6वां अध्याय में, पहली कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 6, और इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। और हम लोग इस हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे, अगले हफ्ते भी प्रैक्टिस करेंगे, और जब तक हम जीवित है या जब तक प्रभु लौट कर नहीं आता, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर इस हफ्ते हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं हो पाया तो अगले हफ्ते है हमारे पास, थोड़ा सा और अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हमारी आदत हो जाएगी, फिर आप किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, खास करके विश्वासियों के लिए किसी का निरादर नहीं करेंगे। और आपको मालूम है बाइबल में जगह जगह पर आपको ये आदेश है कि एक दूसरे का आदर करो। हाँ, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। बाइबल में लिखा है एक दूसरे के आदर करो,
मैंने आपको कहाँ जाने के लिए कहा था? कुरिन्थियों की पत्री का छठा अध्याय का सातवां पद को पढ़ते हैं। छठा अध्याय की शुरुआत में क्या है, वहां पे क्या चर्चा है, आपको मालूम है अच्छी तरह से। वहां पर इस बात की चर्चा है कि अगर दो विश्वासियों के बीच में कोई लड़ाई हो किसी भी बात को लेके, तो आपको अविश्वासियों के पास नहीं जाना चाहिए। और ऐसा हो रहा था कुरिन्थुस की चर्च में। पौलुस कहता है कि मैं ये सुन के हैरान हूं कि जब तुम आपस में तुम्हारे मुकदमा है तो तुम अविश्वासियों के पास, अधर्मियों के पास जाते हो। तुम धर्मी हो के, हम क्या है? धर्मी है, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, और हम अधर्मियों के पास जाते हैं ताकि हमारा फैसला हो। और फिर पौलुस कहता है, क्या तुम्हारे बीच में एक भी बुद्धिमान नहीं है जो तुम्हारे आपस का फैसला कर सके? तो इस चर्चा, इस बारे में चर्चा करते हुए पौलुस एक बात कहता है, सातवां पद में लिखा है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते? सोचिए इस बारे में, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है एक विश्वासी की ओर से, तो परमेश्वर कहता है कि तुम उस बात को लेके पुलिस में FIR दर्ज नहीं कराओगे, तुम उसको, हाँ ये मुश्किल है, तुम अन्याय क्यों नहीं सहते हो और अपनी हानि क्यों नहीं सहते हो? इसको अपनी अपनी बाइबल में जरा पढ़िए, क्या ऐसा ही लिखा है? अंग्रेजी में लिखा है, मेरे पास जो ट्रांसलेशन है, वाई नॉट जस्ट एक्सेप्ट द इनजस्टिस एंड लीव इट एट दैट, वाई नॉट लेट यूर सेल्फ बी चीटेड, वजह है कि आप अदालत में जाओ, अन्य जातियों के पास जाओ, वजह है कि आप पुलिस स्टेशन जाओ और शिकायत करो, ये विश्वासियों की आपस की बात। बट इस संदर्भ में हमें सीखने को क्या मिलता है? चर्चा हो रही है दो विश्वासियों के आपस में जब कोई लड़ाई हो, अदालत जाने की या पुलिस स्टेशन जाने की, लेकिन उस बात को समझाते हुए पवित्र आत्मा हमें क्या बता रहा है कि हम सह क्यों नहीं लेते? अगर आपके साथ अन्याय हुआ, आप सह क्यों नहीं लेते हैं? या अपनी हानि को आप क्यों नहीं सह सकते हैं? ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया ना, नहीं? बचने का और कोई तरीका है, कोई उपाय है इससे बचने का? एक उपाय है, एक रास्ता फिर भी परमेश्वर ने छोड़ रखा है। मत्ती का पांचवा अध्याय में परमेश्वर ने कहा ना कि अगर आपको किसी से शिकायत है, अगर आपका एक विश्वासी ने आपके साथ कुछ गलत काम किया, तो लिखा है ना कि जाके उससे बात करो। बात करना कोई निरादर नहीं हुआ ना, बात करना, उसका मजाक उड़ाना, उसका ताना मारना नहीं है, उससे तुच्छ जानना नहीं हुआ। आप जाके उससे बात करिए, अगर बात खत्म हो गई तो अच्छी, अगर वो बात समझ उनको आती है और वो आपकी बात सुलझ जाती है, तो आपने उस भाई को जीत लिया, पा लिया, आपकी फिर से दोस्ती हो गई, आपका रिलेशनशिप ठीक हो गया। अगर वो बात को नहीं सुनता, तो लिखा है कि आप दो या तीन और लोगों को ले जाना जो आपसे ज्यादा समझदार हो परमेश्वर की बातों में। आपसे तीन कमजोर लोगों को लेने के मत जाना, आपसे तीन मजबूत लोगों को ले जाना, ताकि उनके सामने बातचीत हो। और उसके बाद भी अगर समझ नहीं आती, लिखा है कि फिर कलीसिया में बात बताना, उसके बाद उसे एक अविश्वासी की तरह उसको प्यार करना। अविश्वासियों को हम कैसे प्यार करते हैं, आपने कभी इस बारे में सोचा है? आपको मालूम है चर्च में विश्वासियों से ज़्यादा हम नए लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना? जो विश्वास में अभी आ रहे हैं या रास्ते में हैं, जो हमारा पोटेंशियल कैंडिडेट है, हम सोचते हैं कि ये विश्वास करेगा तो हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे उसको प्यार करो। ये तो और कठिन बना दिया परमेश्वर ने। हम आमतौर पर पढ़ते हैं उसे अविश्वासी समझो, और ठीक है आज से हम इसको अविश्वासी समझेंगे, मतलब क्या है?
मतलब ये है कि उससे ज्यादा प्यार करो, क्योंकि उससे फिर से विश्वास के वचन में चलना के लिए उसकी मदद करना है, उसे और प्यार दो। ये तो सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है, करवा सकता है ना। तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको लगता है कि फिर भी मुझे एक बार बात करनी है, तो परमेश्वर का कि क्यों बात करो, दो तीन जनों को लेके भी जाओ, बात करो, आप बात कर सकते हैं। अगर बात समझ आती है दूसरे व्यक्ति को, अगर वो बात ख़त्म हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो सह लो और उससे बहुत प्यार करो। और पत्रस की पहली पत्री का दूसरा और तीसरा अध्याय में से हमने पिछले बार अध्ययन किया था, जहाँ पर नवा पद में लिखा है कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हमने उत्पत्ति की पुस्तकों में देखा था कि परमेश्वर ने आदम की रचना करते ही, आदम और हवा की रचना करते ही सबसे पहले क्या किया, आशीष दी। परमेश्वर की आदत है आशीष देना। अब्राहम से परमेश्वर ने बहुत सारे आशीषें दी, उनमें से एक आशीष ये है कि अगर हमें कोई खोसेगा तो उसको श्राप मिलेगा, वो एक आशीष की बात है। और इफिसियों की पत्री का पहला अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। तो आशीष परमेश्वर ने दी है और चाहता है कि हम उसका उसके वारिस बने। लेकिन उस तीसरा अध्याय को अगर आप शुरू से पढ़ेंगे और दूसरा अध्याय को भी पढ़ेंगे, उसमें जो पूरी चर्चा चल रही है वो इस बात पर है कि आपके साथ अगर बुराई हो रही है, अगर आपके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। आप गाली के बदले गाली नहीं देंगे, बुराई के बदले बुराई नहीं देंगे। और उसमें यीशु मसीह का उदाहरण है। हम दूसरा अध्याय में चलते हैं पत्रस की, और इसके बाद आप घर जाके खूब अपनी स्टडी कर सकते हैं, देखने के लिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो पवित्र शास्त्र में है या नहीं, या यूं ही है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम उसके बारे में फिर से चर्चा कर सकते हैं। दूसरा अध्याय दूसरा अध्याय, सेकंड चैप्टर, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 16वां पद और 17वां पद। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। आदेश है हमारे लिए, सबका आदर करो। ये सब में सब किसके लिए है? चलो थोड़े समय के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये सिर्फ विश्वासियों के लिए है, तो लिखा है ना, सभी विश्वासी का आदर करो। क्यों, कारण क्या है? मैं आपको अभी 100% ये नहीं कह सकता है कि ये इस सब में अविश्वासी भी आते हैं कि नहीं। फिलहाल हम ये मान के चले कि ये सिर्फ विश्वासियों के लिए है। तो परमेश्वर क्यों कह रहा है कि सभी विश्वासियों का आदर करो? सोचिए इस बारे में, क्यों कह रहा होगा परमेश्वर? इससे भी एक बड़ा कारण है। अभी तो हम सिर्फ पाने के लिए सोच रहे हैं कि आशीष पाने की बात, इसलिए हम कह रहे हैं कि ताकि हम पर श्राप ना आए, ताकि हम आशीषित रहे। इससे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि आपके लेफ्ट और राइट में, बाएं और दाएं तरफ जो बैठे हैं या जो बैठी है, एक बार देखिए अच्छी तरह, शक्ल देखिए, ठीक है? आपके लेफ्ट और राइट में जो है ना, जो बैठा है, जो बैठी है, वो परमेश्वर की संतान है, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, जिसको यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी कीमत देके खरीदा है, छुड़ाया है, इसलिए वो आदर के योग्य है। बात समझ आई? इसलिए हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। क्या ये बात, ये जो एक दूसरे के आदर करने की बात शादी के बाद खत्म हो जाती है क्या?
अब शादी हो गई, ये क्लोज जो है शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है कि खूब निरादर कर सकते हो, नहीं नहीं है ना। तो हम ध्यान रखेंगे, एक दूसरे का आदर हमें करना चाहिए, क्योंकि वो आदर के योग्य है। क्यों? उसके अपने कामों की वजह से नहीं। कामों की वजह से तो कोई भी किसी भी तरह आदर के योग्य नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की संतान होने के कारण। क्या हम ऐसा प्रैक्टिस करना शुरू करें? बहुत समय पहले एक बार पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया था चर्च के लिए, और मैं चर्च की ओर देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो मैं उस नज़रिए से देखता हूँ। अब जब से प्रभु ने मुझे समझाया कि जिनकी अगुवाई करने के लिए, जिनको शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने मुझे और रीना को रखा है, वो जो है, वे लोग परमेश्वर ने मुझे समझाया कि मेरी अपनी संतान है। तो तब से मैंने अलग रीति से आदर करना शुरू किया कि ये जिनको मैं सिखा रहा हूँ ये परमेश्वर के लोग हैं, ये जिनके लिए परमेश्वर ने अपना लहू बना बहाया, ये आदर के योग्य है। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए ऐसा सोचना चाहिए, तब हम और आशीष देखेंगे अपने जीवन में। जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दे रखी है वो हमारे जीवन में दिखनी शुरू हो जाएगी। तो लिखा है कि हम एक दूसरे का आदर, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो। फिर लिखा है कि अपने जो देश का जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारे देश में जैसे प्राइम मिनिस्टर है और अधिकार रखने वाले लोग हैं, उनका सम्मान करो। उनसे सहमत होने के लिए नहीं कहा, लेकिन उनका सम्मान करो, उनका आदर करो। इसी दूसरे अध्याय में एक और पद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 21वें पद देखते हैं, वर्स 21। और इस पूरे अध्याय को आज या कल जब भी आप पढ़ाए अध्ययन करेंगे एक बार पढ़ना। और 21वें पद में लिखा है कि और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसके लिए? जो दूसरे अध्याय में जो चर्चा चल रही है, जिसमें आदर करने की बात बताया, जिसमें परमेश्वर से डरने की बात बताया, आपको कहा है, आपको कहा जा रहा है कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। और प्रभु के लिए लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वे गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। जो अभी मधुर ने कहा ना कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि वो न्यायी है। अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है विश्वासियों की ओर से और अविश्वासियों की भी ओर से, तो परमेश्वर हमें न्याय दिलाएगा, लेकिन विश्वासियों के साथ हमें सहने की जरूरत है। यानी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम निरादर करेंगे, अगर हम विश्वासी भाई बहनों का मजाक उड़ाएंगे या उनका ताना मारेंगे या उन्हें तुच्छ जानेंगे, तो हम श्रापित हो सकते हैं। ये परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है। तो हम फिर से इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस हफ्ते करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, जीवन भर करेंगे। धीरे धीरे हम उस स्टेज पे आ जाएंगे जहाँ पर हम एक दूसरे का अच्छी तरह आदर करेंगे, और ये परमेश्वर का बनाया हुआ स्टैंडर्ड है विश्वासियों के लिए। इससे नीचे हमें जाना नहीं चाहिए, है ना? इस स्टैंडर्ड को हमें बरकरार रखना चाहिए। अब उसके लिए जो अनुग्रह आपको चाहिए, मुझे चाहिए, वो कौन देगा? उसके लिए परमेश्वर है ना, उसके लिए तो परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं किस तरह के लोगों का अनुग्रह देता हूँ,
मैं नम्र लोगों को अनुग्रह देता हूँ। नम्रता का मतलब है परमेश्वर के पास जाना और मांगना। तो हम इस बात को प्रैक्टिस करेंगे इस हफ्ते और देखेंगे, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान से देखिए तब क्या होता है। और फिर जो लोग जर्नल्स लिखते हैं आप अपने स्मार्टफोन में या बुक्स में लिख के रखिए क्या क्या हुआ, अच्छा अभ्यास रहेगा आपके लिए, आपका जीवन बदलता जाएगा।